हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरा यह गार्डन से संबंधित वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑफिस टाइम हम अपने गार्डन में कैसे लगाते हैं। ये ऐसे पौधे हैं जो कहीं भी लग सकते हैं, दिखने में भी बहुत आकर्षक होते हैं और इसके रंग हमको अट्रैक्टिव करते हैं अपनी तरफ। देख सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। इसका रंग पिंक होता है, ये तो आप देख ही सकते हो। ये गमले में भी या ज़मीन में भी हम लगा सकते हैं और इसको बहुत सारा कोई खाद या पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ी मात्रा में ज़रूर होती है। तो ये आप अपने गार्डन में कहीं भी लगा सकते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपने घर में गमले में और जो पेप्सी की बोतल आती है उनमें काट कर कैसे लगाए हैं, ये आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं देखने में और ये एक शोभा भी आपके घर की अच्छी बढ़ाते हैं। और मैं मानता हूँ कि हर घर में ऐसे छोटे मोटे फूल के पौधे होने ही चाहिए। और ये तो आप सब जानते होंगे, एलोवेरा ये तो हमारे घर में होना ही चाहिए क्योंकि ये स्किन को बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता है। आपको खील, मुहासे या बाल में भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि मैं ये लगाता हूँ हर रोज़। हफ्ते में 2 या 3 बार इसे लगाने से आपको फ़र्क दिखता है, तो ये भी आप आसानी से लगा सकते हैं। और एक और पौधा है जो खुशबूदार पौधा है, इसको तो आप पहचानते होंगे, ये चमेली का पौधा है। ये भी बहुत अच्छा है, उसकी जो अरोमा यानी कि सुगंध होती है बहुत ही सुंदर होती है और खुशबूदार होती है, रात को बहुत अच्छी आती है। और इसे भी आप अपने घर में आसानी से लगा सकते हैं। ये देखा जाए तो मोगरे का ये एक नस्ल होता है चमेली, ये हमने लगाए हैं हमारे रसोई घर के बाहर, जो आप देख सकते हैं कितना हरा भरा है और कितनी ऊंचाई तक आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।